हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेज स्टडी। इस वीडियो में मैं सिंपल इंटरेस्ट के जो बाकी के क्वेश्चंस बचे थे वो करा रही हूँ। तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट टू एट्थ प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है और सिंपल इंटरेस्ट के इंट्रोडक्शन भी। तो जिसने वो वीडियोस नहीं देखे हैं ऊपर आई बटन दबा के देख लेना, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियोज़ भी। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ रिलेटेड टू दिस आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियोस चेकआउट कर लें। तो हमने ऑलरेडी 8th क्वेश्चन तक कर लिया था, अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 9th क्वेश्चन से। तो 9th क्वेश्चन है क्या, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 इन 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ एक्स परसेंट पर एनम इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एट द रेट ऑफ 12% इन 2 ईयर्स। तो वैल्यू क्या होगी एक्स की, यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अमाउंट है दैट इज़ 4000, उस 4000 में अगर हम 3 साल के लिए x परसेंट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 5000 पे जब भी हम 12% के रेट के हिसाब से फॉर ईयर टू यानी कि 2 साल के लिए हम जब कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट इसके इक्वल होता है। यही बोला है ना क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने क्या बोला है एक बार फिर से पढ़ो। क्वेश्चन ने बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट 4000 में 3 साल के लिए रेट एक्स परसेंट से अगर हम कैलकुलेट करें तो वो इक्वल किसके होगा, वो इक्वल होगा सिंपल इंटरेस्ट अगर हम 5000 पे 12% के रेट से 2 साल के लिए कैलकुलेट करें। और ये इजी सा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आ गया है 2013 में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले तो यहीं पर 100 से 100 कट कर दो, राइट, इतना कैलकुलेशन की बनाना। ऊपर से 3 से अगर आप 12 को कट करोगे तो ये 3 4 12 होता है, राइट, और 1000 अरे हो जाएगा 1, और ये 30 इससे कट कर दो तो यहीं से निकल गई एक्स इक्वल्स टू 10%, और ये है हमारा आंसर डी, राइट। तो कितना इजी सा क्वेश्चन था, बस जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे लिखते जाओ और कुछ नहीं करना। उसके बाद 10th क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम, यानी कि एक सम है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ मनी इज इतना ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि जो एक सम है, पहले तो कोई आंसर है, एक सम है एक्स, ठीक है, एक सम एक्स है उस पर सिंपल इंटरेस्ट, ये है हमारा प्रिंसिपल, एक्स है हमारा प्रिंसिपल, इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है एक्स का 1/44th पार्ट है हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलता है एक अमाउंट पे, ठीक है। उसके आगे क्या बोला है, उसके आगे बोला है एट द नंबर ऑफ ईयर इक्वल टू द रेट परसेंटेज पर एनम, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एक सम पे होता है इतना ऑफ प्रिंसिपल एंड नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट परसेंटेज पर एनम, यानी कि जो नंबर ऑफ ईयर है वो किसके इक्वल है, रेट परसेंट पर एनम के। तो व्हाट विल बी द रेट परसेंट पर एनम, यानी कि उसका रेट परसेंट पर एनम क्या होगा जब नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू रेट परसेंट पर एनम है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि जो नंबर ऑफ ईयर है वो किसकी इक्वल है, रेट परसेंट पर एनम के। तो रेट इज इक्वल्स टू क्या, टाइम, यही तो बोला ना कि जो टाइम है जो ईयर है वो किसके इक्वल है, रेट के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि आर इज इक्वल्स टू टी, राइट। अब हमें निकालना क्या है, हमें रेट निकालना है, ठीक है, हमें रेट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, राइट। अब मैंने क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल है, एक्स का यानी कि प्रिंसिपल का 1/44th पार्ट है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स का कौन सा पार्ट हुआ सिंपल इंटरेस्ट,
हम बोलेंगे जो यानी कि प्रिंसिपल वो हमें एक्स लेट करा है, तो एक्स का 1/44% है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल क्या है एक्स, रेट हमें नहीं पता, टाइम पता है, टाइम इज इक्वल्स टू रेट, तो हम यहाँ पर रेट ही लेंगे बाय 100, राइट। अब एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 100/144 इक्वल्स टू व्हाट, रेट का स्क्वायर, रेट इंटू रेट मतलब आर इंटू आर इज आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर मुझे स्क्वायर हटाना है तो मैं यहाँ पर अंडर रूट डाल दूँगी, यहाँ पर स्क्वायर हटा दूँगी। अब देखो अंडर रूट 100 किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 100 किसके इक्वल होगा 10 की इक्वल, अंडर रूट 144 किसके इक्वल होगा 10, तो आर इज इक्वल्स टू 10/12, और इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करूँगी तो दैट इज इक्वल्स टू 5/6%, तो रेट हमारा क्या हो गया 5/6%, ठीक है, क्लियर हुआ, कितना ईजी क्वेश्चन था, राइट। तो रेट हमारा किसके इक्वल है 5/6% के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम, ठीक है, तो कितना लंबा हम एक सम ऑफ मनी को इन्वेस्ट करेंगे 5% के हिसाब से, यानी कि टाइम निकालना है हमें, ठीक है। तो एस आई टेक टू इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 50%, यानी कि हम एक अमाउंट को कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करें अगर रेट वो हमें दे रहा है 5%, सो दैट जो हमारा अमाउंट है, ठीक है, वो 50% से बढ़ जाए, ठीक है, कितने से बढ़ जाए 50% से बढ़ जाए हमारा अमाउंट, यानी कि वो क्या बोल रहा है कि हमारा अमाउंट कितना हो जाए, यह आंसर 10 नहीं, यह आंसर 11, अमाउंट हमारा 150 हो जाए अगर हमारा प्रिंसिपल है 100, अगर हमारा प्रिंसिपल 100 है तो वो क्या बोल रहा है कि उसका 50% इंक्रीज हो जाए, 50% इंक्रीज हो जाए, यानी कि ऐसा ही हमारा 50% इंक्रीज हो जाए तो ऐसा ही कितना हो जाए, मतलब 50 हो जाए, तो अमाउंट क्या है प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही इक्वल्स टू अमाउंट है, तो अमाउंट हमारा इतना ज़्यादा है वो, ठीक है। तो हमें कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या होता है एस आई का, एस आई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अब एस आई हमें कितना चाहिए, हमें एस आई चाहिए 50, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है 100 है, रेट है हमारे पास, रेट है हमारे पास 5%, और हमारा टाइम हमें निकालना है और 100, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं देखूँ तो मुझे 10 साल लगेगा, मेरा टाइम क्या आया 10 आया, तो मुझे कितना ईयर लगेगा 10 ईयर, ईजी था, हमें बस एक नंबर अज्यूम करना है, उसके बाद हमें फर्दर करना है, हमें पता चल जाएगा कि हमारा टाइम क्या लग रहा है, हमारा टाइम कितना लग रहा है, आंसर कितना हुआ 10 हो गया, राइट, ईजी था। उसके बाद 12th क्वेश्चन है, सुरेश बोरोड 800 एट 6%, यानी कि सुरेश ने 800 रुपये बोरो करे कितने परसेंट, कितने इंटरेस्ट के, 6% इंटरेस्ट पे, एंड नरेश बोरोड 600 एट दी 10% इंटरेस्ट, आफ्टर हाउ मेनी टाइम विल दे बोथ हैव इक्वल डेट्स, यानी कि कितने टाइम बाद इन दोनों का जो डेट है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि कितने टाइम, हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम बाद दोनों का डेट जो है वो इक्वल हो जाएगा। जो सुरेश है एक तरफ, अगर मैं सुरेश को लूँ एक तरफ नरेश को लूँ, तो सुरेश ने बोरो कितने करे, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 800, रेट क्या है 6%, ठीक है, और नरेश ने प्रिंसिपल अमाउंट कितना बोरो करा 600, और रेट है उसका 10%, तो कितने टाइम बाद दोनों का डेट जो है वो इक्वल हो जाएगा, हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है, राइट। अब हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं देखूं अमाउंट, यहां पर भी अमाउंट, मैं दोनों के अमाउंट लेके अगर चलूं, ठीक है, अमाउंट लेके चलूं तो मुझे पता चल जाएगा कितने टाइम बाद कैसे। अब देखो यहां पर 800 अमाउंट की क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, राइट, तो प्रिंसिपल ये है हमारा, एसआई कितना होगा
800 × 6 हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है जो दोनों में कॉमन है, राइट। तो कैसे आएगा टाइम कॉमन, मैं इसको इक्वेट कर दूंगी इससे, टेन परसेंट और टाइम। हमें इन दोनों में चाहिए क्या, हमें चाहिए कि टाइम दोनों में कौन सा कॉमन होगा, राइट। टाइम दोनों में कौन सा कॉमन होगा जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। देखो जो हमारा सुरेश है उसने प्रिंसिपल अमाउंट इतना लिया, नरेश ने प्रिंसिपल अमाउंट लिया, और सुरेश हमारा जो इंटरेस्ट पिकर है वो 6 है और नरेश जो हमारा इंटरेस्ट पिकर है 10 है, तो कितना टाइम बाद दोनों का डेथ इक्वल होगा, ठीक है। तो डेथ कब निकलेगा हमारा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का, अगर मैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करूँ तो कितने टाइम बाद दोनों का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दोनों को इक्वेट कर दूँ तो वो मेरे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी जो दोनों में इक्वल होगी, ठीक है। इसीलिए मैंने दोनों को इक्वेट करा है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इस ये दोनों कट कर देती हूँ मैं, उसके बाद 800 + 6 = 48 t और 600 + 60 t, ठीक है। तो मैं ये 600 यहाँ ले आती हूँ और ये 40 उधर ले जाती हूँ, तो 200 = 12 t, राइट। तो अब इसको डिवाइड कर दूंगी, तो ये मेरा समवेयर पॉइंट में आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर जस्ट बिकॉज आंसर मेरा जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो या तो मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करूँ, ठीक है, या तो मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करूँ, या फिर मेरे को पता है कि ये 100/6 है। अगर मेरे को पता है कि ये 100/6 है तो मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के बदले, इतना टाइम करने के बदले मैं देखूँगी, पहले तो मैं देखूँगी मेरा न्यूमरेटर में, इसको और सिंप्लीफाई कर दूँ, ये और सिंप्लीफाई हो रहा है 50/3 हो रहा है, तो पहले मैं देखूंगी किसके डिनोमिनेटर में 3 है। अब इन तीनों के डिनोमिनेटर में 3 है तो 50 कब बन रहा है, यहाँ पर देखो 3 यहाँ पर 18 + 2, तो ये है हमारा आंसर। क्यों, क्योंकि मैंने एंड का करा, 16 से इंटू नहीं करा, मैंने डायरेक्ट करा 3 × 18 + 2 = 50, मतलब 0। तो ऐसे आंसर आप जल्दी निकाल सकते हैं। तो ये हुआ मेरा 12th क्वेश्चन। उसके बाद है 13, तो जो मेरा 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन में क्या है, जिम इन्वेस्टेड 1700 एंड 2300 इन स्कीम्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली फॉर 3 ईयर्स। यानी कि जो जिम है उसने क्या करा, उसने अमाउंट इन्वेस्ट करा किस में, स्कीम ए और बी में 3 साल के लिए। इफ स्कीम ए एंड बी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट 6% पर एनम एंड एट 9% पर एनम रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट। यानी कि अगर जो जिम इन्वेस्ट कर रहा है ये दोनों अमाउंट 3 साल के लिए, तो अगर स्कीम ए ऑफर करती है 6% रिटर्न, ठीक है, 6% इंटरेस्ट, और बी जो है वो 9% रिटर्न वो ऑफर करती है, तो व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय जिम फ्रॉम बोथ दी स्कीम्स। तो 3 साल बाद, यानी कि 3 ईयर्स बाद, 3 ईयर्स बाद जिम को कितना अमाउंट मिलेगा रिटर्न में। तो हम पहले लिख देते हैं कि उसने 2 स्कीम्स में इन्वेस्ट करा, ठीक है, एक स्कीम में प्रिंसिपल अमाउंट है 1700, दूसरे का है, ये ए है ये बी है, तो इसका है प्रिंसिपल अमाउंट 2300, ठीक है। यहाँ से उसको रिटर्न कितना मिल रहा है, यहाँ से उसको रिटर्न मिला है 6%, यहाँ से उसको रिटर्न मिल रहा है 9%। यहाँ पर दोनों में 3 ईयर्स के लिए टाइम, तो दोनों में 3 ईयर्स है, तो टोटल इंटरेस्ट दोनों का ऐड करके बताना है कि टोटल इंटरेस्ट कितना होगा दोनों का, कैसे होगा। अब मैं अगर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ स्कीम ए प्लस करूँ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ स्कीम बी, तो मेरे पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा जो जिम अर्न करेगा। तो फॉर्मूला का है P × R × T/100 ऑफ इंटरेस्ट ए एट P × R × T ऑफ इंटरेस्ट बी। तो प्रिंसिपल क्या है 1700,
इंटू रेट क्या है 6% और टाइम क्या है 3 ईयर्स। इसको मैं अगर इससे ऐड करूँ तो मेरा क्या होगा आंसर? ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो इसका टोटल क्या बनेगा, 306 प्लस इसका टोटल क्या बनेगा, 621। तो इन दोनों का ऐड करके क्या आएगा, 927। ये होगा टोटल इंटरेस्ट जो जिम अर्न करेगा, दैट इज 927। तो दैट इज ऑप्शन ए, राइट। तो अब 14 क्वेश्चन है जो हमारा, वो है राजू लेंड 400 टू अजय फॉर 2 ईयर्स। यानी कि जो राजू है उसने अजय को कितना अमाउंट पे करा, राजू ने अजय को 2 साल के लिए कितना दिया, 100 रुपीज़ दिया, राइट। उसके बाद टू मनोज राजू लेंड 400 टू अजय फॉर 2 ईयर्स एंड, यानी कि राजू ने दो लोगों को बोरो लोन दिया। पहला राजू ने अजय को दिया 2 साल के लिए रुपीज़ 400, उसके बाद 100 रुपीज़ मनोज को दिया 4 साल 4 साल के लिए, और दोनों से इंटरेस्ट रिसीव करा 60 रुपीज़ कलेक्टिवली, मतलब दोनों को ऐड करके। अब हमें ये बताया कि यहाँ पर राजू ने कितना अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को दिया। उसके बाद उसने ये भी बताया कि कितने साल के लिए दिया, बट रेट नहीं दिया, ठीक है। उसने कलेक्टिवली इंटरेस्ट जो अर्न करा दैट इज 60 रुपीज़, बट यू हैव टू फाइंड द रेट। अब यहाँ से क्या पता चला कि उसने दोनों से सेम रेट चार्ज कराया, तो रेट है क्या? बट देखो, जो राजू है, राजू ने दो लोगों को दिया लोन, ठीक है। पहले उसने अजय को दिया, दूसरा उसने मनोज को दिया। अजय को उसने दिया 2 साल के लिए टाइम, ठीक है, और मनोज को उसने दिया था 4 साल के लिए। अजय को उसने प्रिंसिपल अमाउंट दिया 100, वेयर एज उसने मनोज को प्रिंसिपल अमाउंट दिया था अजय को उसने प्रिंसिपल अमाउंट 400 दिया और राजू को उसने प्रिंसिपल अमाउंट 100 दिया, और दोनों से कलेक्टिव सिंपल इंटरेस्ट लिया दैट इज 60, ठीक है। तो दोनों का कलेक्टिव, मैं देखो कलेक्टिव अगर सिंपल इंटरेस्ट डालूँ तो कैसे निकलेगा, अजय का सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अजय एंड ऐड करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट ऑफ मनोज, तो दोनों का कलेक्टिव सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगी, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 ऑफ अजय एंड पी इंटू आर इंटू टी ऑफ मनोज, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है अजय का, 400 है। रेट वी डोंट नो, वेयर एज टाइम वी नो दैट इज फॉर 2 ईयर्स, एंड प्रिंसिपल ऑफ मनोज है 100, रेट वी डोंट नो एंड टाइम वी नो दैट इज़ फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर 800 आर निकला, प्लस यहाँ पर कितना निकला, 400 आर, कलेक्टिव सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 40 रुपीज़। मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, तो 4 + 8 आर कितना आएगा, 12, तो 60 / 12 विच इज़ इक्वल्स टू 5, तो रेट क्या होगा, 5, राइट। समझ आया कि मैंने क्या करा, दोनों को ऐड करके, दोनों की वैल्यू अगर ऐड करेंगे हम तो कलेक्टिव इंटरेस्ट उसने कितना लिया है, उसने लिया है 60 रुपीज़, ठीक है। दोनों कलेक्टिव कब निकलेगा, जब मैं सिंपल इंटरेस्ट अजय का लिया हुआ और सिंपल इंटरेस्ट जो मनोज ने दिया है उन दोनों को ऐड करूँगी, तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना निकलेगा, 60 रुपीज़ निकलेगा जो उसने कलेक्टिवली लिया है। तो मैंने वही करा, बट आर को यहाँ रखा, तो 400 × 2 करेंगे तो 800 निकलेगा, और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 आर बचेगा। यहाँ पर 4 × 100 करेंगे तो 400 / 100 तो कैंसिल आउट होके 4 आर बचेगा, तो 8 आर + 4 आर हमारा होगा 12, जो हम यहाँ ले जाके उसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये कैंसिल आउट होके 5 आएगा, विच इज़ द वैल्यू ऑफ रेट, ठीक है। तो ये सिंपल था, तो ये हमारा हुआ 14 क्वेश्चन। अब बारी है 15 क्वेश्चन की, तो
बारी है 15th क्वेश्चन की। पहले रीड आउट करते हैं कि 15th क्वेश्चन में पूछा क्या है। रश्मि लेंट 600 टू गीता, यानी कि रश्मि जो है उसने 600 गीता को दिए हैं। ठीक है, कितने दिए हैं गीता को? 600 रुपीज़ दिए हैं रश्मि ने। गीता को 600 रुपीज़ दिए हैं 2 साल के लिए, एंड 150 दिया है सीता को 4 साल के लिए, एंड दोनों से कितना लिया है? 80 रुपीज़ लिया है सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ। यहाँ पर भी हमें रेट ही निकालना है, सेम है क्वेश्चन नंबर 14 की तरह। तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क में देती हूँ। अगर आप ये नहीं कर पाए या कोई भी डाउट आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं वहीं पर सॉल्यूशन दे दूंगी। ठीक है, या फिर इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी अगर किसी को कोई भी डाउट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।